श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है न्यूट्रल ट्यूटोरियल का, शिवम कुमार। इसके साथ हम लोग एक इंट्रोडक्शन करेंगे छोटा सा। इस बार इसका सिलेक्शन हुआ है जेईई मेन में, और एडवांस के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, तो इसके साथ हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। कैसे हो शिवम? सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने रैंक के साथ, इस पर कितना रैंक है और आगे प्रिपरेशन जो है जेईई एडवांस का कैसा चल रहा है। मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरा जनरल रैंक 7470 जेईई मेंस में आया है, और मेरे पापा का नाम पंकज कुमार है, वो भी सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, और अच्छा ही आने का उम्मीद है। न्यूटन ट्यूटोरियल आप आए तो कैसे आए, क्या देख करके आए, कैसे आए? जैसे मतलब कि उस टाइम तो लॉकडाउन था, तो पापा से पता चला कि यहाँ रांची में न्यूटन ट्यूटोरियल्स हैं, और प्रणव सर का पहचान था मेरे यहाँ, तो वही पापा बोले कि जाकर वहाँ एडमिशन ले लो, तो फिर यहाँ का एडमिशन लिए, इसी से पता चला। न्यूटन ट्यूटोरियल का 2 साल का जर्नी कैसा रहा, और बाकी दोस्त जो अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहे होंगे उनसे यहाँ कोई डिफरेंस लगा कि नहीं लगा? जर्नी बहुत अच्छा रहा, सर लोग बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे दूसरा कोचिंग में होता है कि डाउट क्लास में पढ़ाए तो जैसे हुआ, लेकिन डाउट क्लास अच्छा से नहीं हो पाता, क्योंकि एक मतलब बहुत टीचर कम होते हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सबको पर्सनल उतना अच्छा से ध्यान नहीं दे पा जाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से होता है, डाउट क्लास में एक सर बैठे होते हैं, वहाँ के 5 बच्चा 6 बच्चा आराम से आकर पूछ सकता है, जब भी मन चाहे पूरा रहते हैं। जब से सुबह 9 बजे कोचिंग खुलता है, रात के 8 बजे 9 बजे बंद होता है, तब तक सब सर रहते हैं, जब चाहो तब डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट में डाउट का मतलब कि डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा रहा, डाउट में जाओ। फिर मतलब कि क्लास में भी जैसे एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा समझाने में सर लोग, जब तक सर लोग तो कहते थे कि तुमसे जितना बार पूछ सकता उतना पूछो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे। तो जर्नी तो बहुत अच्छा रहा, बाकी की सब कोचिंग के मामले में बहुत अच्छा रहा। मतलब कि पर्सनल केयर जैसा यहाँ महसूस होता है, जैसे पर्सनल केयर एक मिला है यहाँ। बहुत ज़्यादा बच्चा जैसे पटना में एक एक बैच में 12-12 स्टूडेंट होते हैं, तुम्हारे बैच में हमारे समझ से 12 ही स्टूडेंट थे, 14 12 स्टूडेंट थे,